बेबी, ओ बेबी, स्माइल स्माइली बेबी, गुड मॉर्निंग गाइस। देख रहे हो सुबह सुबह कितनी खुश होती है, बस पियानो बजाती रहती बैठ के पैर से, मजे आने लग गए इसकी। अब ये बजाएगी अभी। ओए मम्मी का ऑफिस शुरू हो गया, बी ए गुड गर्ल। ओके बी ए गुड गर्ल, ठीक है। दादी को ज़्यादा परेशान नहीं करना, दादी और दादी को, क्योंकि मम्मी तो बिजी है, मम्मी तो देखेंगे नहीं तेरे को बात 8 घंटे, हम देखेंगे तेरे को, ठीक है। हमें परेशान नहीं करना, मम्मी को परेशान करना। जब ऑफिस खत्म हो जाए ना मम्मी का 8 घंटे बाद, तब मम्मी को परेशान करना, हमें बंद करना, ठीक है, समझ आ गया। रोक के रखना 8 घंटे, ठीक है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। मेरा नाम है रजत, अगर आप नए हैं इस चैनल पे, शिल्पा मेरी वाइफ का नाम, शिल्पा बेबी आपने देखी, हेजल नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे हम अमेरिकन घर में बहुत अच्छे अच्छे हम व्लॉग्स बनाते हैं, अमेरिका में रहते हैं डैलस में, और 2 महीने पूरे हो गए फाइनली शिल्पा को ऑफिस शुरू हो गए। पासवर्ड तो भूल गई थी ऑब्वियसली, जैसे आपको पता है कि 2 महीने बाद किसको पासवर्ड याद रहता है, अगर याद भी रहता होता तो एक्सपायर हो जाता है पासवर्ड, इतना टाइम तो रहता नहीं है। तो बैठ के अपने हेल्प डेस्क के साथ फिगर आउट कर रहे हैं कैसे लॉगिन करना है। कल उसने अपना ऑफिस सेटअप किया, डेस्क वगैरह लगाया, कंप्यूटर लगाया, आज पता लगा सुबह उसका माउस भी चलना बंद हो गया, बैटरी ख़राब हो गई है। तो 2 महीने में देखा क्या 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 होता है। और गुड थिंग देखो मौसम इतना बढ़िया, बारिश आ रही है, बहुत प्यारा सा मौसम हो रहा है, गर्मियाँ ख़त्म हो गई है, ऑफिशियली गर्मियाँ ख़त्म हो गई है यहाँ पर टेक्सास में, डैलस में, और बारिश आ रही है, बारिश का मज़ा ले रहे हैं। सुबह सुबह बोलते कि इसका माउस की बैटरी ख़त्म हो गई है, तो मैंने टेस्टर से चेक किया और नई बैटरी डाली, एक्चुअल में ख़त्म हो गई थी, और पासवर्ड तो भूल ही चुकी थी, अभी भी हेल्प डेस्क के साथ फिगर आउट कर रही है। क्या हो रहा है, पासवर्ड भूल गई, सब भूल गई, कुछ नहीं चल रहा, मैं सोच रही छुट्टी कर लूं। छुट्टी से आके कुछ नहीं चल रहा तो फिर छुट्टी कर लो, नाइस। कॉल पे हो पता है 50 मिनट से, तो अभी तक नहीं हुआ उससे, कैसे हेल्प डेस्क का नंबर है? नहीं वो ट्राई कर रहे हैं, पहले वो इंटरनेट नहीं चल रहा था, फिर वो भी नहीं चल रहा, सब कुछ नहीं चल रहा, बोलो कि मुझे वो एक्चुअली वो चाहते नहीं कि मैं लॉगिन करूं, वही मैं कह रहा हूं, बोलो 2-3 महीने की छुट्टी और दे दो, आई वोंट माइंड, यू नो, आई एम हैप्पी, आई एम ओके, राइट। कैसे रहता है अभी तो शुरुआत है, चलो बताना मुझे कैसा रहता है तुम्हारा एक्सपीरियंस, जानना चाहूंगा 2 महीने बाद ऑफिस जाके कैसा लग रहा है। अच्छा तो नहीं लगेगा, दादी आ जाओ हम तो प्ले करेंगे, आ जाओ, चल पड़ा, आधा दिन हो गया, 8:30 स्टार्ट किया था, 12 बजे, 12:15 फाइनली लॉगिन हो गया तुम्हारा, फाइनली लॉगिन हो गया, तो काम करना पड़ेगा तुम्हें ऑफिस का। गेस करो कितनी ईमेल होगी, तुम 2 महीने की छुट्टी पे थी, 60 दिन की मम्मी, इसके तुम्हें फालतू की ईमेल थोड़ी ज्यादा आती है, तो लगा लो 6000 और भी तो आएंगे फिर, और क्या, आज बच्ची भी बहुत शरीफ है तुम्हारी, तंग नहीं कर रही ना, मैंने डील हुई है ना, डील हुई है मेरी उससे, बात कर ली थी ना मैंने सुबह, उसको बोल दिया था मैंने कहा देख 8 घंटे की बात है, यू बी ए गुड गर्ल, जो भी तेरे को नौटंकी करनी है वो करियो 8 बजे के बाद, जब मम्मी फ्री हो जाए, चार बजे के बाद जब शिल्पा फ्री हो जाए तब सारी नौटंकी कर लियो, इसलिए वो डील कर रही, मैंने डील करी, मैंने ब्राइब किया उसे, मैं तेरे कहना जब बड़ी हो जाएगी ना तेरे लिए टॉय ला के दूंगा, समझ गई, तो ऐसे डील हुई हमारी, बताओ। चलो देखे जरा कितनी ई मेल्स है फिर, इस काम के पैसे लेते हो, गप्पे मारे जा रही मैनेजर से, तो बेचारी पूछ रही थी ना क्या चल रहा है, कैसी बीवी, क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, ईमेल होता होगा कितनी है, मैं देख चुका हूँ, एक्चुअली ज्यादा नहीं है शुक्र है, तो कह रही है कैट करो ऑल द ईमेल्स, यू नो, वाह वाह, मैनेजर ने काम कर दिया, काइंड ऑफ इग्नोर कर सकती है, कह रही हल्का हल्का ग्लिम्प्स कर ले और फिर डिलीट कर दे, बट ईमेल तो बताओ, गाइस मैं देख चुका हूँ कितनी ईमेल्स है, बताओ, 2,122 ईमेल्स,
किसी को रिप्लाई नहीं करना, बस ईमेल चेक कर और अपना कुछ जो भी तुझे करना है इसमें वेबएक्स पे भी अवेयर रख अपने आप को, और फ्राइडे तक कोई काम मत कर, मंडे से टेक्निकली तू वापस आ रही है। नो थैंक गॉड, ऐसी मैनेजर होनी चाहिए। वैसे तो बात सही थी, अगर 6 बार ही मिलती ना तो जॉब ही छोड़नी पड़ जाती कि इससे अच्छा छोड़ दो। क्या आज मैं बना रहा हूँ पंजीरी। अब क्या मम्मी को साइड करके कह रहे थे आ गया वीडियो में, मम्मी साइड हो ना है, फिर बोले आज मैं बना हिल रीनी है पंजीरी बना रहा हूँ, हिल तो रीनी है हाथों से, और कह रहे इसमें क्या डाला है। हाँ, और अजय जी क्या है, ब्राउन क्या है, बादाम देख रहे हैं, ब्राउन ब्राउन क्या है, मेन जो नीचे होता है जो कलर है। हाँ सीक्रेट एसबी है क्या, वही तो पंजीरी टाइम्स 10 की 10 कितनी बारी बन चुकी है पंजीरी हमारे यहाँ, मजे आ गया हमें तो। अब तो ऐसे है रजत, जाने के बाद भी मम्मी के हम ऐसे बनाते रहेंगे है मम्मी, जरूरी तो ना कि ऐसी खानी है, अच्छी बात है, टेस्टी बात है। हाँ चाय के साथ खा लो थोड़ी सी, खा लो लड्डू बना के खा लो है ना ये जो। तो मैं जिम हो के आता हूँ, तुम घर पे आराम करो थोड़ा सा। जिम जाने की क्या जरूरत है, तो जब ये वेट यहीं पे ही है एक है तो इसको उठा के वर्कआउट कर लो। मतलब जैसे सोचो ना, ये सोचो ये आपकी वो है बारबेल है ना, ये बारबेल है ऐसे उठाया शोभ ध्यान से भैया तो ना गिर जाओ जो कैसे देखा नहीं मैंने, आंखें बंद थी मेरी, दोबारा दिखा ना, मैं भूल गया, मैं देख नहीं पाया ढंग से, दोबारा दिखाओ ये कोज ये स्क्वाट्स हैं, ये मिनी स्क्वाट्स है, मिनी स्क्वाट्स बारबेल दिखाओ मेरी वेइंग बारबेल को। हां आप करके दिखाओ, हो जाओ शुरू, ये बारबेल है। हां बेबी बारबेल, ओ माय गुंडेस, कुछ भी करते हैं सही है ना, उठ गई क्या, क्या चल रहा है ये मैं सो रही हूं कुछ भी कर रहा हूं। गाइज एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, नेवर लेट एनी वन टेल यू वॉट यू कैन डू एंड कैनॉट डू। मुझे बोलते थे लोग शादी से पहले कि शादी हो जाएगी तो जिम नहीं कर पाएगा, फिर बेबी हो जाएगा तो जिम नहीं कर पाएगा, भैया देखो बारिश में भी जिम करने आया हूँ मैं, तो जो आपको मैटर करता है वो बहुत वो ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और नेवर लेट एनी वन टेल यू कि तुम क्या कर सकते हो या क्या नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते उसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर सकते, देर आर मेनी थिंग्स आप कर सकते हो। माई मोटिवेशनल स्पीच फॉर यू गाइज आज की, गाइज एक बहुत ही अच्छी टिप है आपके लिए जो लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं, और ये ना कईयों को पता होगी बात, कईयों को नहीं भी पता होगी, जैसे शिल्पा को नहीं पता ये बात और बहुतों को नहीं पता थी। अब मैं ना पापा मम्मी को एक शो दिखा रहा था, कोरियन शो है नेटफ्लिक्स पे, पर मैंने इंग्लिश में देखा था खुद, फिजिकल 100 बहुत अच्छा गेम शो है, 2 सीज़न आ चुके हैं, तो मैंने सोचा पापा मम्मी को दिखा दूँ, पर मुझे रियलाइज हुआ पापा मम्मी को इंग्लिश थोड़ी समझने में प्रॉब्लम है तो कैसे दिखाऊंगा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ हर शोज़ की ना डिफरेंट डिफरेंट ऑडियो लैंग्वेजेस होती है नेटफ्लिक्स पे, कुछ कुछ शो की हिंदी में भी होती है, तो मैंने इसकी चेक करी इसकी हिंदी में थी, बड़े मस्त देख रहे हैं गाइस, एडिक्टेड शो है, खूब एडिक्शन हो रही है, देख रहे हैं रोज़ बैठ के हिंदी में देख रहे हैं, तो लेट मी शो यू कि कैसे आप चेक कर सकते हैं, और अगर आपको हेल्पफुल लगी हो ये टिप तो लाइक करना गाइस, वीडियो को शेयर करना ये बात सबके साथ। देखो गाइस फिजिकल 100, तो बेसिकली आप नीचे लैंग्वेजेस में जाओ, जैसे बाई डिफॉल्ट इंग्लिश थी, वैसे कोरियन शो है पर हमने भी इंग्लिश, मैंने शिल्पा और मैंने इंग्लिश में देखा था, फिर आप जाओ आगे अदर पे, आप देखोगे ऑडियो में हिंदी, हिंदी भी लैंग्वेज है, काफ़ी सारे शोज है ना, अब मैं गारंटी नहीं दे रहा किस कौन कौन से लाइक हर शो की लैंग्वेज हिंदी नहीं होगी, पर आप ट्राई करोगे ना अगर, काफ़ी सारे शोज आपको मिल जाएंगे जिनकी लैंग्वेज हिंदी में अवेलेबल है, तो आप हिंदी लगाओ और उसको चलाओ मस्त है ना बढ़िया। तो बहुत सारे शोज नेटफ्लिक्स पे हिंदी में होते हैं जो बाय डिफॉल्ट इंग्लिश या और दूसरी लैंग्वेज के होते हैं, उनकी एक्स्ट्रा लैंग्वेज हिंदी भी होती है, चेक करना, और अगर अच्छी लगी हो टिप तो लाइक करना गाइस, शेयर करना वीडियो को सबके साथ। गाइस हेजू आइए बाहर बैकयार्ड में, बड़ी डैडी को प्ले करते हुए देखने, तो हम यहाँ कुर्सी पे बैठ के तमाशा देख रहे हैं, आपको भी तमाशा दिखाते हैं आइए। ओके गाइस आप भी देखें, ये बड़ी लेटा हुआ है बॉल के ऊपर, आपको कैसा लग रहा है बॉल के ऊपर लेटा हुआ है, बॉल के लिए लेटा है, अच्छा अच्छा आपको कहीं से लग रहा है गाइस कि ये सो रहा है, ये एक्चुअली खेल रहा है, देखना भी ए बेबी है क्यों कर लिए, ये देखो 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 भागा, देख रहे हो दी
फिर से अरे कैसा मिलेगा थोड़ी मुंह पे ये जो कैसा लगा आपको ये जो कैसा लगा तमाशा देखा हमने आप डॉगीज को प्ले करते हुए देखा आपने बहुत मुझे लगा पोटी आ रही है इसको ऐसे करे पोटी आ रही है ये जो चलो एक तो कमेंट्स पढ़ ले अच्छे अच्छे आ रहे थे थोड़े से पढ़ लेते मेरा मम्मी की होंगे अच्छे अच्छे कमेंट्स तो मुझे तो लग रहा है चैनल मम्मी का हो गया है और अमेरिकन ड्रीम्स लाइक मम्मी ओह शिट मम्मी की कितनी तारीफ होती है कितनी है हमें अपना चैनल मम्मी के नाम करना पड़ेगा हां वही तो बाजी की तो कोई करता ही नहीं तारीफ ओ मम्मी की तो ओ बेबी ओ बेबी मम्मी आपके शिल्पा अभी हम शिल्पा से बात कर रहा था मैं कि सारे कमेंट्स आ रहे हैं आपके बारे में आ रहे हैं हमें तो कोई याद ही नहीं कर रहा तो शिल्पा ये करिए कि अपना चैनल मम्मी को देना पड़ेगा अब उनके नाम करना पड़ेगा कैसे करते आवर अमेरिकन ड्रीम /मम्मी इंडियन मम्मी अभी आया हुआ था कहती है कि जाने मत दो रोक लो इनको कह रहे बड़ा मजा आ रहा है चले जाएंगे तो बड़ा मजा कम हो जाएगा अच्छा देख रही हूँ अब तो सब्सक्राइबर भी मिलते हैं ना हाँ तो भी मम्मी को पहचान जाते हैं हाँ गाइस कई बार मिलते हैं मैं बाहर मम्मी को पहचानते हैं मुझे तो बाद में देखते हैं वो लोग ऐसे कहते हैं रजत की नहीं ऐसे कहते हैं क्या वो आप वो ना हम आपका चैनल देखते हैं हम आपके चैनल देखते हैं अरे पापा आपके बारे में पूछ रहे हैं लोग कह रहे पापा बोलते क्यों नहीं वीडियोस में आज बोल दो पापा आज सारा बोल दो आज दस दस वीडियो का आज ही बोल दो वैसे पापा थोड़ा कम बोलते हैं बट जब बोलते हैं स्ट्रेट ऑन टॉपिक यू नो पापा क्या बोलते हैं पापा चार दिन नहीं पापा चार दिन चुप रहते हैं और तीन दिन बोलते हैं पापा का मौन भी रहता है सोचते हैं मैं तीन दिन क्या बोलूंगा मजाक उड़ा रहा पापा का बट वो थोड़ा सा उनकी कम बोलने की आदत है तो अपने काम से काम रखते हैं वो और क्या ये बोलूँगा आपको अब जैसे ये बोला पापा ने कि भाई दो महीने हो गए बेबी को घर पे आए हुए ये बलून उनके आए हैं तब से फूल हुए हैं फटे क्यों नहीं ये बात बोली पापा ने हाँ मम्मी फटे क्यों नहीं ये बलून ने हाँ वही हवा क्यों नहीं कहा वही पिछा क्यों नहीं गए दो महीने से फूले पड़े ये इंडिया ले जाएंगे मतलब कैसे गुब्बारे हैं तो चाइना के ही हम हमारे डॉलर ट्री के सस्ते वाले क्या क्वालिटी का कुछ फर्क है या नहीं बट डॉलर ट्री सलाई में मे बी वो वेदर का फर्क होता होगा यहाँ पे एसी चलता रहता पूरे दिन और क्या टैडी के पूछ बांधो टैडी ये हमारे टैडी का बलू वो है गाइस वॉलीबॉल मी शो यू टैडी वॉलीबॉल देखा गाइस टैडी फिर से वॉलीबॉल ओए होए गुड वो टैडी ये गया मम्मी पापा पूछ रहे थे ना फटते क्यों नहीं ये लो टैडी गो फोड़ेगा शायद गो ओके गो टैडी गो ना कहते जा खेल ले ना नहीं तेरी दांत मार दांत शिल्पा ये पढ़ो भाई तुम्हारे लिए प्रगति नेहरा कहती है शिल्पा कुछ शॉपिंग थोड़ा टाइम निकाल के शॉपिंग कर लिया करो अभी अपने लिए शॉपिंग कर लिया हाँ अभी बहुत टाइम है फिर एक दिन आएगा कभी जब तुम अपनी चीज़ें हाइड करनी पड़ेंगी कहते कि थैंक गॉड उनका तीनों का माँ बेटियों का साइज डिफरेंट है तो कपड़े और शूज़ तो बच गए बट परफ्यूम ओह हो परफ्यूम नहीं छोड़ती उनकी बेटियाँ अभी भाई ये तो गारंटी इसके नेल्स जैसे बढ़ रहे हैं ना मैंने कहा कि नेल्स काट लो नहीं तो हिजुके की नेल पॉलिश लगा दो मेरे ऐसे होता है वो तुमने बोला था ना वीडियो में कि शॉपिंग करने का अब मैं अपने लिए शॉपिंग नहीं करती मैं बेबी के लिए करती हूँ कर लो भाई मम्मी ने तो बेटों की है बेटे थे मम्मी के दो है लड़के थे मम्मी को तो इस चीज का वो लगा ही नहीं है ना मेरा कोई वो नहीं हिस्सा नहीं बांटा उन्होंने कपड़े नहीं बांटे जूते नहीं बांटे तुमने पापा के ले लिए होंगे मैंने सुना कि आपने रजत या भैया को फ्रॉक भी बनाई है ना पहले बचपन में कभी ऐसे इतने छोटे बच्चे अच्छा फ्रॉक हां तो लड़कियों ने फ्रॉक पहनी है हां तो डोंट बी सेक्सिस्ट अच्छा लेकिन फिर भी आज पहन के देखो आज पहन के देखो तो तुम ये ऑफिस कैसा रहा तुम्हारा दो दिन हो गए तुम काम करते हुए दो दिन हो गए अभी शुरुआत में इजी चल रहा है क्योंकि मेरी मैनेजर बहुत अच्छी है
काइक को क्या अपडेट? मैंने आज देखा इसने 600 ईमेल पढ़नी है, 2100 थी ना 1500 रह गई है। वाओ, 300 ईमेल पढ़ने की एवरेज आ रही है। मेरी मैनेजर को बोला कुछ काम मत कर, सिर्फ ईमेल पे काम कर, तो कह रही है कि अभी डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल दे अपना और इतना फैला मत कि मैं वापस आ गई हूँ। तो अभी चल रहा है काम, इजी है क्योंकि अभी मम्मी आई हुई है, पापा है, रजत है, तो चल रहा है काम, ठीक है। आगे देखते हैं कैसा रहता है जब अभी पापा चले जाएंगे। गाइस, शाम की हमारी इवनिंग वॉक का टाइम हो गया है, बड़ी डैडी के साथ मैं घूम रहा हूँ, उनका पी पॉटी का टाइम हो गया है। एंड ऑलवेज डू योर पार्ट, जब भी आपके डॉग्स वॉक पे निकले, पॉटी वॉटी करें, तो उसको उठा ले और उनको ट्रैश में फेंकें, क्योंकि इससे कम्युनिटी वगैरह आपकी जहाँ पर रहते हैं सोसाइटी साफ रहेगी, राइट। पर अब मौसम देखो कितना, लाइक व्यूज़ कितने बढ़िया आ रहे हैं, कितना बढ़िया पिंकिश ऑरेंजिश स्काई हो रहा है, राइट। ये पेड़ों में थोड़ा सा अड़ गया है, आगे चल के फिर दिखाता हूँ आपको, ओके। अब देखो गाइस क्या मस्त स्काई हो रहा है ना, वाह कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, बारिश वारिश भी ख़त्म हो गई है फाइनली, और ब्यूटीफुल स्काई, ब्यूटीफुल सनसेट इवनिंग का टाइम। जैसे मैं बता रहा था, ये पॉटी वोटी उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी पॉटी से बहुत बैक्टीरिया वगैरह स्प्रेड होते हैं, दूसरे डॉग्स को होगा, मक्खियाँ वगैरह आती हैं, तो अल्टीमेटली आपको ही वापस आएगा वो, तो उसके लिए क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो गाइस हम करेंगे डिनर एंजॉय, कढ़ाई पनीर बनाया मम्मी ने, कितना बढ़िया लग रहा है ना, आपके मुंह में पानी आ गया ना तो बताना कमेंट्स में, या तो हम लोग पेल चुके हैं। रोज ही आता होगा लोगों के मुंह में कमेंट, ओ मुंह में कमेंट, मुंह में पानी, तो चबा चबा के खाओ, चबा मुंह में कमेंट ना आ जाए तुम्हारे। कढ़ाई तो है नहीं, तो कढ़ाई पनीर कहाँ से हुआ ये आप इमेजिन कर लो। इमेजिन तो ये कि बिना खाए भी इमेजिन कर सकते कि पनीर खा रहे हम, बना तो कढ़ाई में ही था, चाहे हम घी की सब्जी खा रहे हैं, इमेजिन कर लो कि हम पनीर की सब्जी खा रहे हैं, इमेजिन की क्या बात है। मजे की बात देखो, सब्जी बनती है आलू टमाटर की, टमाटर होंगे दो, आलू होंगे छह, चलो छोड़ो, कभी तोरी टमाटर घिया टमाटर बोला कभी, दाल टमाटर नहीं बोला, आलू टमाटर की सब्जी बोली जाती है हमेशा, टमाटर सब में डलते हैं। हाँ तो आलू टमाटर में क्यों बोल रहा था आलू साथ ही, क्योंकि आलू की कदर नहीं है ना कुछ, इसलिए टमाटर से कदर बढ़ाते हैं, कदर नहीं है घी की, तोरी की और टिंडे की, तीन सब्जी ऐसी है, बच्चे को ये पसंद नहीं, खाना पसंद, ये नहीं खाती अभी तक, मैं खाती हूँ, खा लेती है, तीनों खाती हूँ, चलो गाइस मैं बंद करता हूँ, यहाँ तो इनकी चलती रहेगी। इसमें ये कैसे बोलती है मैं टिंडे नहीं खाता, टिंडे तो खाता हूँ, समझ गया, टिंडे बनवाता हूँ मैं। चलो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय। अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें गाइस। This is how we have to sustain our channel, guys. Like and subscribe. See you next video.